कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति तैयार की गई। संगठन की मजबूती के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के साथ ही निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को पदभार मुक्त करने की बात भी प्रतिभा सिंह ने कही है। संदर्भ में हमने ये मीटिंग बुलाई है। मैंने जो प्रधान लोग जिन्होंने अपना कार्य पिछले चुनावों में किया उनका आभार भी व्यक्त करना है, और साथ साथ में हमारा जो ये 2024 का चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी को लेकर भी इन लोगों को गाइडलाइन भी देनी और इनसे फीडबैक भी लेनी है कि किस तरीके से हमें पार्टी को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, कहाँ हमें कमज़ोरी नज़र आती है और कहाँ हम मजबूत है, वो ये फीडबैक इनसे लेंगे। और उसी के आधार पर इनको भी हम आज ये कहेंगे कि अब बहुत कम समय रह गया अगले इलेक्शन के लिए, तो इस तरीके से इन्होंने भी चुनाव में की तैयारी में जुटना है और उस काम को अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है उनको हमने संगठन में कोई ना कोई पदभार देना है, और जो लोग केवल मात्र नाम मात्र के लिए इसमें जुड़े हैं उनको जो लोग निष्क्रिय रहे जिन्होंने कोई भी योगदान पार्टी के लिए नहीं किया उनको भी पदभार मुक्त किया जा सकता है। वो तो बहुत कुछ है कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ बोलें, मोदी सरकार की जो ये 9 साल का कार्यकाल जिसको भाजपा के लोग गिन रहे हैं, इसमें ये लोग ये नहीं कहेंगे कि क्या इनकी नाकामियाँ रही। मैं आपको याद दिला दूँ कि पिछले विधानसभा इलेक्शन में भी मोदी जी कई बार यहाँ पर आए, हमने बार बार उनसे प्रश्न किया कि आप हमारे जो आपने वायदे किए थे उनको पूरा करने में आपने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, चाहे महंगाई कम करने की बात है, चाहे भ्रष्टाचार को हटाने की बात है, पर जितनी बार हम ये प्रश्न उनसे करते हैं तो कभी भी उन्होंने इसका सही जवाब देने का प्रयास नहीं किया, चाहे वो मोदी जी थे चाहे इनके बड़े लीडर्स जो यहाँ पर आए। अब ये देख रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है तो ये आकर अपने 9 साल का गुणगान तो करेंगे ही, पर हमें भी अपने फील्ड में इसी तरीके की तैयारी करनी है और जाकर फील्ड में लोगों को सच्चाई बताने की आवश्यकता है। मैम क्या आप इसकी मांग करेंगे कि ये श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और जो इनकी नाकामियां रही उसको भी हमें लोगों के सामने लाना है। हिमाचल प्रदेश के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।